अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़िया ख़ान, ब्लॉग आर ब्लॉग वाली। तो आज मैं आपको फूलों का विज़िट करवाती हूँ, जहाँ बहुत बहुत प्यारी क्यारियाँ बनी हुई हैं। तो ये बाग है, एक बाग के हिस्से पे पौधे लगे हुए हैं और एक बाग के हिस्से पे फूल लगे हुए हैं। तो आए मेरे साथ के देखें, ये फूल है लेकिन अभी तक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं रुमा ख़ान, आर एस चैनल ब्लॉग वाली। ये मेरी दोस्त है रज़िया ख़ान, मैं इसके ब्लॉग में आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसके ब्लॉग को बहुत पसंद करेंगे, जिस तरह आपने मुझे इज्जत दी है इसे भी देते रहेंगे। तो आज इसका गाँव देखते हैं, चले आए। ये देखिए, ये क्या लेकिन आपने ड्रेस की सेम फूलों जैसे पहना है। हाँ, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है, बहुत प्यारे फूल है। तो ये अभी थोड़े से उन्होंने कटिंग करके साइड पे रखे, वो देखो तो आप वो बड़े बड़े फूल भी हैं, बड़े बड़े जो है ना फूल लगे हैं, प्यारे प्यारे फूल है। इधर ये है गेंडे के फूल, गेंडे के फूल है ये अभी उन्होंने बस छोटे छोटे काश किए हैं। तो फूल इसमें बहुत ज़्यादा लगेंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरती होगी। और ये गुलाब के हैं, ये गाँव है, इधर कौन रहता है? इधर मेरे वो रहते हैं, मामू जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो दूर के मामू हैं मेरे। अच्छा, उनका गांव है ये, माशाल्लाह बहुत। तो अक्सर हम जब सैल पकड़ी के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा, तो यहाँ थोड़ा सा टहल लेते हैं। मैंने कहा चलो साथ साथ वो आपको सैल भी करवा दूँ। तो मैं अपने नाती के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ये आम का दरख्त है, तो अभी इस पर फल नहीं है, ये गर्मियों को लगता है। तो आए फिर आके चल के चलाए। हाँ, ये देखो ये हैं आम के पौधे। अच्छा, तो ये कहते हैं ना जब छोटे होते हैं, हाँ हाँ, तो फिर ये जो पुराने होते हैं आम, हाँ, के पौधे उनको उखाड़ देते हैं, ये लगाते हैं। अच्छा, ये नहीं कहते। हाँ, तो ये 5 साल के बाद तैयार होता है आम का दरख्त, फिर इस पर भूल लगता है, फिर आम लगते हैं, फल लगता है। तो अभी ये इन्होंने नए तैयार किए हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ये बाग है। और ये देखो साथ साथ में लगाए भी हुए इन्होंने, ये इस तरह लगेंगे। आओ मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये नया, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा अच्छा, ये नया है। और जो बड़े बड़े हैं ना जिनके वो टांग नीचे को है, जितने हैं वो पुराने हैं। हम अमरूदों के पौधे दिखाते हैं और साथ में अमरूद भी खाते हैं, मुझे भूख लगी है। आओ तुम आ जाओ, मैं आऊँगी बैठ के। था रजिया, कितने सोने सोने अमरूद लगे हुए हैं, बड़े जबरदस्त। ये लो मेरी तरफ से, थैंक यू। खाने आप लोगों ने भी? हाँ, अमरूद खाएंगे। मेरे लिए भी ले लेना, मेहरबानी होगी। काफी आपके लिए। ले। अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में लेना। ये देखो बैठे हैं, खा लो। ये देखे, ये अमरूदों के पौधे हैं, माशाल्लाह छोटे छोटे अमरूद लगे हैं, बहुत प्यारे लगे हुए हैं। इस साइड पे आओ अंकल। रज़िया खान देखो कितने प्यारे हैं, है ना? हाँ, ये देखो, हाँ, ये देखो, ये देखो कितना प्यारा फल है। आप खाओगे? तो हाँ, ले लेना जरूर मेरे लिए। अच्छा, ये देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, ये आपकी तरह है। थैंक यू। नरम दिल है ना बेचारे। ज्यादा नरम दिल है। उठाओ रुमा खान, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये देखो कितने प्यारे हैं आप। मजा आंदा प्यार रज़िया खान नाल इत्थे सैर करन दा, उम्मीद करनी आ तुहानू वी बड़ा मजा आंदा होगा वीडियो देखण दा। ते जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ते सब्सक्राइब करना। रज़िया खान तुसीं लेट आए हो जरा। अच्छा, हाँ जी, मैं तो चाहती थी तुहाडी खिदमत दिल खोल के करा, लेकिन शाम हो गई है, तो तुहानू अमरूद दिखवा देना। नहीं नहीं, आए नाज़रीन, मैं रुमा खान को थोड़ा सा अमरूद ज्यादा खिला दूं, इसको भूख लगी हुई है। तो मुझे भूख लगी है। तुम्हारे मामू साहब है ना, उनके घर खाना भी तो खाना है। उन्होंने कौन सा तुझे देसी कुकड़ खिला दिया, पकाया होगा। आओ कितना सोना, ये देखे कलर है, ये देखे। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, लग दूर से ऐसे रहे हैं जैसे ये पके हुए हैं, लेकिन है सख्त है, बहुत प्यारा फल लगा है इन्होंने।
ये नहीं, ये नरम लग रहा है मुझे। ये देखो, हाँ ये ले, ये तेरे जैसे। अच्छा अब रुमा खान के लिए, हुमा खान के लिए ये ले, ये लो। चलो बस करो, जिनके होंगे वो आपके सर छोड़ देंगे। तो आए खाना है, कम ही ज्यादा भी आए नाजरी, थानों से इधर ही सैर करवाने हैं। चलो आज रुमा खान मेरे साथ है, गिरना जाना गिर गई तो मुझे ना बताना, मैंने नहीं उठाना। अच्छा ये देखो रुमा खान, ये तूने तोड़ा है ना, ये देखो कितना सोने सोने इतने अमरूद लगे हुए ने, बहुत ही प्यारे ने, बहुत ही अच्छा बाग है इन्हों का। ये जो अमरूद का टहन है ना, ये रुमा खान ने तोड़ा है। इतनी ताकत है इसमें, इसने कहा मुझे ये ना थोड़ा सा कान, मैंने मूवी बनवानी है। ये देख मुझे बहुत मजा आया। तो रजिया खान आप बहुत प्यारी लग रही हो, देखो ये थोड़ी छोटी मूवी थी बना ली साथ मेरे रुमा खान, हुमा खान। रुमा खान भी बहुत अच्छी लग रही है भाई, तो थैंक यू, शुक्रिया आपका मैं मखा आने का। अच्छा बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अब कई दूर जाके ज़्यादा टाइम लेंगे आपसे भी, हुमा खान से भी, ठीक है। और अभी 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 रजिया खान थोड़ा सा और दिखा लो, थोड़ा सा और दिखा लो, नाजरीन कह रहे हैं भाई, सब्सक्राइबर कह रहे हैं आपके, उस साइड पे चलते हैं, आ जाओ थोड़ा सा आगे दिखा लें। और शाम का टाइम हो चुका है नाजरीन, तो इन्हों का पिंड का माहौल बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, मेरे तो बड़ा पसंद आया। उम्मीद करनी है कि तुम्हें भी पसंद आएगा, तो रजिया खान के ब्लॉग में पसंद करते रहोगे। चले रजिया खान, अब आप अपने सब्सक्राइबरों को जी। नाजरीन मेरे प्यारे दोस्त, जो मेरा व्लॉग आर व्लॉग है, देखिए नाजरीन आज मैंने जो मूवी बनाई है आपके लिए, मेरे साथ रुमा खान, हुमा खान, खूब इंजॉय किया, उनको सेल भी करवाई, तो आपको भी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करना, अच्छे अच्छे लाइक शेयर करना और मेरी हौसला अफजाई करना। तो मैं रुमा खान से भी इजाज़त चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और नाजरीन को मेरे बारे में थोड़ा सा तर्क करवा दें, आपकी शुक्रिया मिलेगा। देखिए नाजरीन, ये हमारी दोस्त है, इनका चैनल चल रहा है आर व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि तुम इनके चैनल को बहुत पसंद करोगे, तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो बैल आइकॉन के बटन में दोबारा ना भुलना, ताकि इन्हों की आने वाली वीडियो थोड़ी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। मैं रुमा खान, हुमा खान तो आपसे मुखातिब हूँ, तो आप इनके और हमारे चैनल को इज़्ज़त इसी तरह देते रहें और पसंद करते रहें, और इसी तरह हम आपके लिए नए नए ब्लॉग लाती रहेंगी। तो हम ख़ास और ख़ास फ्रेंडे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी हमारे अच्छे और अच्छे सब्सक्राइबर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, हम लोग साथ होंगे। अल्लाह।